गाइस आज की वीडियो बहुत ही अलग और काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है क्योंकि मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ गेम स्टीयरिंग व्हील। इसका नाम है PXN V3 Pro। आज इसको मैं टेस्ट करूंगा और प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा दोनों को या PC और PS3 PS4 से अटैच कर सकते हो। चलो गाइस फटाफट से करते हैं दोनों की अनबॉक्सिंग, देखेंगे गाइस दोनों में से कौन सी स्टीयरिंग व्हील है सबसे ज्यादा बेटर। लेट्स स्टार्ट। व्हील को मैंने अमेजोन से सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज में खरीदा था। आप भी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको व्यू प्रोटेक्ट दिखाई देगा, उसे जाकर आप चाहे तो इसे खरीद भी सकते हो। इसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं, यहाँ पर सारी चीजें दी गई है जैसे कि PC 360 सपोर्ट, X इनपुट दिया गया, वाइब्रेशन है, 180 डिग्री स्टीयरिंग एंगल है, गियर स्टिक इसके साथ दी गई है, इस तरह का गियर नॉब भी मिल जाता है, यहीं से आप इसके अंदर गियर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको PXN की स्टीयरिंग दिखा देता हूँ, उसके बाद एक और स्टीयरिंग को अनबॉक्स करेंगे, उसके बाद दोनों को कंपेयर करके गेम वगैरह भी खेल के देखते हैं। आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बॉक्स को मैंने फटाफट से ओपन कर लिया। चलो सबसे पहले मैं आपको ये स्टीयरिंग ही दिखा देता हूं। यहां से निकाल लिया मैंने स्टीयरिंग। स्टीयरिंग्स ये बहुत ज्यादा महंगी होती है यार, 20-25 हज़ार की भी स्टीयरिंग मिल जाती है। अगर ये वीडियो पर 6000 लाइक्स करोगे तो गाइस वो स्टीयरिंग को भी मैं जरूर से अनबॉक्स करूंगा। स्टीयरिंग को मैंने निकाल लिया है, इसके ऊपर जो कवर था वो भी हटा दिया है। इसके अंदर तो यार बहुत सारे बटन वगैरह दिए गए और स्टीयरिंग की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा सही लग रही है। ये स्टीयरिंग के बारे में आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, फिलहाल देखते हैं इसके अंदर हम लोगों को और क्या क्या चीजें मिली है। यहाँ पर ये क्या है यार, मेरे को कुछ समझ आ नहीं रहा है, फटाफट से इसको निकाल के देख लेते हैं। अच्छा तो ये टेबल पर फिट करने के लिए देखो यहाँ पे एक स्क्रू भी दिया गया है। और क्या चीजें दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, अच्छा ये देखो ये है इसके पैडल्स, ये भी निकाल के दिखा देता हूँ। क्वालिटी बहुत सही है यार, बहुत ज्यादा बड़े साइज का, ये ऐसा लग रहा है कि कोई रियल कार का ही पैडल इन लोगों ने निकाल के दे दिया है। यहाँ पर इसके ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि देख सकते हो, वारंटी कार्ड है, यूजर मैनुअल है, बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा USB केबल भी दिया गया है PS4 को अटैच करने के लिए और Xbox One को अटैच करने के लिए। इसको हम लोग किसके अंदर लगा सकते हैं ये भी बता देता हूँ। PC के अंदर लगा सकते हैं, PS3 के अंदर लगा सकते हैं, PS4, Xbox One, X Series और Nintendo Switch के अंदर भी इसको अटैच करके गेम वगैरह हम लोग खेल सकते हैं। तो अभी बात करते हैं ये स्टीयरिंग के बारे में। पूरा का पूरा रबर का बना हुआ है ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि जब मैं इसको हाथ लगा रहा हूं तो बहुत ही सॉफ्ट यहां पे फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रियल स्टीयरिंग पकड़ा हूं। यहां पे PXN की ब्रांडिंग दी गई है, यहां पे इसका D-pad है और ये पूरी तरीके से बटन्स काम भी करते हैं गाइस। यहां पे मल्टी फंक्शन बटन है, यहां पे R1 R2 बटन्स दिए गए और ये भी पूरी तरीके से काम करते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पीछे की तरफ भी L3 और R3 के बटन्स दिए गए हैं। यहां पे इसका गियर नॉब है, यहां से आप गियर्स डाल भी सकते हो या फिर गियर्स वगैरह निकाल भी सकते हो। गियर्स डालने के लिए पैडल शिफ्टर्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर ये गियर नॉब भी यूज कर सकते हैं। देखो अभी मैं इसको यहां पे लगा के बता देता हूं, अभी ये पूरी तरीके से चिपक चुका है, अगर मैं इसको उठाऊंगा तो गाइस पूरा का पूरा टेबल उठ के आ जाएगा। अभी ये पैडल्स के बारे में बात करते हैं, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा सॉलिड है और इसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है यार, ये कार को रेस वगैरह देने के लिए और ये कार को ब्रेक देने के लिए। अगर ये स्टीयरिंग की एंगल की बात करूं तो इस तरफ और इस तरफ टोटल इसके अंदर 180 डिग्री की एंगल दी गई है। ठीक है गाइस अभी अनबॉक्स करते हैं ये दूसरी वाली स्टीयरिंग, इसका नाम है नीथो ड्राइव प्रो रेसिंग व्हील। इसका प्राइस अगर आप देखोगे तो 4200 रुपीज में आपको मिल जाएगी। इसके क्या क्या मेन फीचर्स है सारी चीजें आप देख सकते हो। इसके अंदर भी 180 डिग्री का लॉक टू लॉक एंगल दिया गया है। चलो फटाफट से इसको यहां से अनबॉक्स कर देते हैं। ये स्टीयरिंग व्हील थोड़ी सी मेरे को छोटी लग रही है यार PXN स्टीयरिंग व्हील के मुकाबले में। यहां से बॉक्स को मैंने ओपन कर दिया है, ये देखो यार इसके अंदर भी सेम चीजें दी गई है जैसे कि टेबल के ऊपर इसको लॉक करने के लिए। इसको रखते हैं साइड में, यहां पर है पैडल्स, इसके अंदर भी पैडल्स देखने को मिल जाते हैं पर ये पैडल्स थोड़े से छोटे यार PXN के मुकाबले। ये है ब्रेक और ये है इसको रेस देने के लिए। पर इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए गए, वारंटी कार्ड दिए गए, इसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा USB केबल दिया गया है। ओके चलो अभी स्टीयरिंग व्हील भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। सच में यार इसका साइज थोड़ा सा छोटा है PXN के मुकाबले में। इसको मैं आपको साइड बाय साइड रख के बता देता हूं, आप खुद यहां पे देख सकते हो। ये 4000 वाली स्टीयरिंग है, ये 5000 वाली स्टीयरिंग है। इसके अंदर भी D-pad देखने को मिल जाता है। अच्छा तो इसके अंदर एक चीज मेरे को अलग लग रही है गाइस, यहां पे देखो ढेर सारे बटन्स दिए गए। ये स्टीयरिंग व्हील के अंदर बटन्स यहां पर हम लोगों को मिलते हैं और स्टीयरिंग के पीछे मिल जाते हैं। इसके अंदर देखो यार ये जो सेंटर वाला पार्ट है यहीं पे ही सारे के सारे बटन्स इन लोगों ने दे रखे। बाकी स्टीयरिंग बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और इसके अंदर यहां पे है इसके पैडल शिफ्टर्स, यहां से गियर्स डाल सकते हैं, यहां से गियर्स निकाल भी सकते हैं। पर इसके अंदर एक चीज की कमी दी गई है जैसे कि इसके अंदर ये गियर नॉब देखने को मिलता है पर इसके अंदर कोई भी गियर नॉब नहीं है। अगर आप इसका गियर नॉब खरीदना चाहते हो तो फिर वो अलग से खरीदना पड़ेगा। इसके नीचे भी बहुत अच्छे वाले सक्शन पैड्स दिए गए ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से टेबल पर या फिर कहीं पर भी चिपक सके। दोनों की बिल्ड क्वालिटी काफी सही यार। तो चलो अभी चलते हैं अपने PC के पास, वहां पर दोनों को अटैच करके गेम वगैरह खेल के देखते हैं।
3X एंड V3 स्टीयरिंग व्हील को मैंने पीसी से कनेक्ट कर दिया है। अभी खेलेंगे GTA 5 गेम। स्टीयरिंग के अंदर जो बटन है इसे मैं माइकल को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ। दरवाजे के बाहर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे लैम्बोर्गिनी सियान। सबसे पहले लैम्बोर्गिनी सियान को टेस्ट करेंगे, देखेंगे स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा है। अब तक तो स्टीयरिंग काफी सही तरीके से काम कर रही है। अभी हम लोग आ चुके हैं दरवाजे के बाहर, अभी राइट को चलाएंगे गाइस ये कार। देखते हैं कार कितनी तेजी से दौड़ती है और कार कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल हो पाती है ये स्टीयरिंग को यूज करके। ठीक ठाक तरीके से अभी भी काम कर रही है कार। अभी मैं इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने वाला हूँ, ब्रेक भी प्रॉपर तरीके से लग रहे हैं। अभी इसकी स्पीड देखो यार, देखते ही देखते 200 के आसपास तक पहुंच चुकी थी। यहाँ पे मैं ब्रेक लगाने की भी कोशिश कर रहा था, ब्रेक प्रॉपर तरीके से लग नहीं रहे यार ये कार के अंदर, क्योंकि ये एक सुपर फास्ट कार है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा देख संभाल कर चलाऊंगा गाइस। स्टीयरिंग हाई स्पीड में इसकी सेंसिटिविटी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है यार। ओए होए देखो यार फॉर्च्यूनर क्या ही तगड़ी दिख रही है व्हाइट कलर में, तो भाई ये एकदम लाजवाब दिखती है। अभी इसको मैन्युअली कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे जो गियर नॉब है इससे मैं गियर शिफ्ट आपको करके बताने वाला हूँ। अभी मैंने इसको फर्स्ट गियर में डाल दिया है, आप राइट साइड में देख सकते हो यहाँ पे आपको गियर के नंबर भी दिखा रहे हैं। अभी मैंने सेकंड गियर में डाल दिया है तो हाई स्पीड में थोड़ी सी दिक्कत मेरे को लगी है, बाकी फॉर्च्यूनर एकदम भौकाल नजर आ रही है भाई साहब। यहाँ पे ब्रेक्स भी स्लो स्पीड में काफी अच्छे तरीके से लग रहे हैं फॉर्च्यूनर के। काम करते हैं फॉर्च्यूनर को यहाँ पे पार्क कर देते हैं। अभी ये ट्रक को टेस्ट करते हैं यार, देखेंगे ट्रक चलाने पर स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा होता है। ये ट्रक देखो यार इतना ज्यादा बढ़ाएगी, माइकल इसके व्हील से भी छोटा नजर आ रहा है। अभी माइकल ऊपर चढ़कर कैबिन में बैठ चुका है, ये है अंदर का नजारा। फीडबैक ट्रक के अंदर भी काफी सही मेरे को लग रहा है। यहाँ से देखो हॉर्न वगैरह भी मैंने सेट कर दिया, इसको हॉर्न बहुत ज्यादा लाउड है यार। अभी इसके अंदर पैडल शिफ्टर का यूज करेंगे ये ट्रक को चलाने के लिए। ट्रक थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इस वजह से बहुत अच्छे तरीके से मैं ये ट्रक को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ये ट्रक को मैंने ऑफ रोड में भी चला के देखा है, ऑफ रोड में भी ये स्टीयरिंग से ये ट्रक प्रॉपर तरीके से कंट्रोल हो रहा था। अभी माइकल को मैं दूसरी प्लेस में लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर माइकल की बहुत सारी कार्स खड़ी हुई है नदी के किनारे, इनमें से हम लोग चूज करेंगे जीप रूबीकॉन को, क्योंकि ये थोड़ी बहुत जो है थार जैसी दिखाई देती है। अभी इसको ऑफ रोड में टच करेंगे, देखो जीप रूबीकॉन के व्हील्स कितने ज्यादा बड़े हैं। अभी यहाँ से जीप रूबीकॉन को मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ और इसके पैडल्स बिल्कुल एक रियल कार जैसे ही दिए गए यार। तो चलो यहाँ से अभी निकलते हैं, हम लोग नदी के किनारे चलाएंगे। और फीडबैक की बात करूं तो मिट्टी में भी फीडबैक काफी तगड़ा है। ये स्टीयरिंग का ऑफ रोड में चलाने में अलग लेवल का मजा आ रहा है यार मेरे को तो। जीप रूबीकॉन के नीचे जो भी पत्थर आ रहे हैं सारे के सारे पत्थर को चकनाचूर करते हुए आगे बढ़ी जा रही है। अभी जीप रूबीकॉन को मैं नदी के किनारे से एकदम पहाड़ों के बीच में लेके आ चुका हूँ। लेफ्ट साइड में जो पहाड़ है इसके ऊपर चढ़ाएंगे। यहाँ पर मेरे को वाइब्रेशन आना चाहिए स्टीयरिंग के अंदर, पर यहाँ पर बहुत ही हल्का सा वाइब्रेशन मेरे को देखने को मिल रहा है। ये एक दिक्कत लग रही है मेरे को ये स्टीयरिंग के अंदर। बाकी पहाड़ों के ऊपर ऑफ रोड में मिट्टी में या फिर ग्रास में बहुत अच्छे तरीके से ये स्टीयरिंग से मैं ये कार को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अभी यहाँ पर एक अलग तरीके का टेस्ट करेंगे, यहाँ पर KTM बाइक है, देखेंगे गाइस ये स्टीयरिंग से क्या KTM बाइक चल पाती है या नहीं। थोड़ा सा KTM बाइक को मैं पीछे ले लेता हूँ। अभी सीधा चलेंगे हाईवे पर, वहां पर फुल स्पीड में KTM बाइक को दौड़ा के देखते हैं। देखो यार प्रॉपर तरीके से लेफ्ट राइट को जा रही है, पर सेंसिटिविटी कुछ ज्यादा ही है। स्पीड इसकी 150 के आसपास तक पहुंच चुकी थी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा भी टर्न करा रहा हूँ तो बाइक पूरी की पूरी लीन करने लग रही है। अभी इसका एक्सीडेंट होते होते रह गया यार। अभी इसको फुल स्पीड में मैं वापस से दौड़ाने लगा हूँ, 180 के आसपास तक स्पीड पहुंच चुकी है। ब्रेक इसका सही तरीके से नहीं लग पाया है, इस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। एक काम करते हैं नीथो ड्राइव प्रो की स्टीयरिंग यहाँ पे लगाते हैं। और यहाँ अपने पास आ चुकी है लैम्बोर्गिनी कार, पहले तो यहाँ पे ड्रिफ्ट करा के देखेंगे गाइस। स्टीयरिंग छोटी होने के कारण आराम से ये कार ड्रिफ्ट करने लग रही है। सेम चीज मैंने PSN स्टीयरिंग के साथ भी ट्राई की थी, पर उसके अंदर प्रॉपर तरीके से ड्रिफ्ट नहीं लग पा रही थी। अभी दौड़ाएंगे ये कार को फुल स्पीड में, देखेंगे इसके ब्रेक्स वगैरह किस तरह से लग पाते हैं। ब्रेक पैडल्स बहुत अच्छे दिए गए, देखो प्रॉपर तरीके से इतनी स्पीड में भी कार जाकर रुक चुकी है। ओके अभी ये येलो कलर की जीप रूबीकॉन को चला के देखते हैं। ये कार के अंदर मैंने बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर दिए, ये अंदर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं स्टीयरिंग को लेफ्ट या फिर राइट कर रहा हूँ तो देखो कार के अंदर बैठा हुआ माइकल भी स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट इस तरह से टर्न कर रहा है। ये दोनों स्टीयरिंग के साइज में बहुत ज्यादा फर्क दिया गया है, ये स्टीयरिंग बहुत छोटी है यार। अगर मैं इसको दोनों हाथों से पकड़कर ड्राइव कर रहा हूं तो मेरे दोनों हाथ एक दूसरे से टकरा रहे थे, ये एक दिक्कत लगी मेरे को ये स्टीयरिंग के अंदर। बाकी गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये दो स्टीयरिंग व्हील्स में से कौन सी स्टीयरिंग अच्छी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम है कुलदीप, मारूफ, अनिश, जुनेद, व्रज, लाजिम, जसपाल, अजीम, नितिन, साहिल। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।